मध्य प्रदेश में मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए एक जरूरी खबर आई है। राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर मूंग की खरीद शुरू करने जा रही है। इसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार ने इस बार मूंग की MSP 7,275 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। मध्य प्रदेश से पहले इस बार पंजाब में भी मूंग की MSP पर खरीद हुई है। ये फैसला मौके का था जब पंजाब की सरकार ने किसानों से MSP पर मूंग की खरीद की। वहीं मध्य प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने मूंग खरीद के लिए तैयारी शुरू कर दी है। MSP पर मूंग की बिक्री करने के इच्छुक किसानों को खरीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को एक तय डेट पर खरीद केंद्र पर बुलाया जाएगा, जहां वे अपने उपज की बिक्री कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के किसान रवि और खरीफ सीजन के बीच के समय में बड़े पैमाने पर मूंग की खेती करते हैं। कृषि विभाग की तरफ से कहा गया है कि MSP पर खरीद से किसानों को लाभ पहुंचेगा और उनकी आमदनी बढ़ने से उनको मदद मिलेगी। वहीं मध्य प्रदेश में इस बार मूंग का बंपर उत्पादन हुआ है। किसान लंबे समय से सरकारी खरीद शुरू करने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अधिक उत्पादन के कारण बाजार में भाव समर्थन मूल्य से काफ़ी कम मिल रहा था और खरीफ फसलों की खेती में लगने वाले जरूरी पैसे के लिए किसान मजबूरन अपनी फसल को कम दाम पर बेच रहे थे। सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू होने से उन्हें राहत मिलेगी। सरकार की तरफ से मूंग की MSP 7,275 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, लेकिन बाजार में भाव बता दें कि 4,500 से 6,000 के बीच मिल रहा था। इससे किसानों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। मध्य प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक इस बार राज्य में 12 लाख हेक्टेयर में किसानों ने मूंग की खेती की थी। सरकार को अनुमान है कि इस बार 15 लाख टन तक उत्पादन हो सकता है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस बार मध्य प्रदेश से सिर्फ 2,40,000 टन मूंग खरीद करने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं अधिक उत्पादन और कम खरीद सीमा को देखते हुए मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान सरकार की तरफ से केंद्र से खरीद सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।